नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। जेल से रिहा होने के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का भाषण सुर्खियों में है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। कन्हैया ने अपने भाषण में दलितों की बात की है, अल्पसंख्यकों की बात की है, कहीं ये समाज को बांटने की कोशिश तो नहीं है? उन्होंने एक बहुत अहम बात की कि उनको कटोरी में जो लाल और नीला कटोरी साथ में दिखाई दी थाली में, और वो लाल और नीले रंग को जोड़ रहे हैं, तो इससे उन्होंने उस खतरनाक राजनीतिक ध्रुवीकरण के भी संकेत दे दिए जिसका सपना वो देख रहे हैं। लाल मतलब वामपंथ का प्रतीक है, तो वो कम्युनिज्म और दलितों की राजनीति जो इस देश में अलग तरीके से होती आई है, मायावती से लेकर कांचीराम तक के जो सारे इतिहास हैं, तो वो उस दलित राजनीति को और वामपंथ की राजनीति को जोड़ रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नया समीकरण खड़ा किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, और निश्चित तौर पर ये राजनीति से ही प्रेरित था। राजनीतिक भाषण और उसकी महत्वाकांक्षाएं उसमें झलक रही थी। नौजवान जिस बदलाव के पक्षधर रहे हैं और नौजवान जिस बदलाव को सच की शक्ल दे सकते हैं, उस बदलाव से दूर अगर ये राजनीति के मार्ग पर चला जाता है तो वो सच कितना हो पाएगा? जो फिल्मों में हम देखते हैं कि कॉलेज से निकले छात्रों ने संसद पर अधिकार किया वोटों के जरिए और फिर उस संसद के जरिए देश में बदलाव लिया, फिल्मों में हमने बहुत देखा है, सच में ये हो पाता है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ऐसा नहीं लगता कि कन्हैया राजनीतिक दलों का मोहरा बन गए हैं? ये संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत बड़ा मौका था उनके पास अपने आप को, जो मैं शुरुआत में कह रहा था, एक बड़ी जमीन पर खड़ा करने का, बड़ी बात करने का। व्यक्तिगत आक्षेप प्रधानमंत्री पर करके, व्यक्तिगत आक्षेप केवल एक सत्ताधारी दल पे करके उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा कर लिया है। उनको इससे बचना चाहिए था, सारा देश उनको सुनने को आतुर था, कहीं ना कहीं सहानुभूति की लहर लोगों के मन में उनको लेकर थी। वो इस सहानुभूति की लहर का बेहतर उपयोग देश समाज से जुड़ी हुई उन बड़ी बातों को, जो नारों से परे है, जो किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की आलोचना से परे है, उस पर केंद्रित करते तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बात जनता तक पहुंचती। लेकिन जो बातें उन्होंने कही है इससे इनका, क्योंकि वो एबीवीपी पर लगातार हमला कर रहे हैं, संघ पे, तो ये तो एक वामपंथ के नेता के रूप में उनका वैसे भी राजनीतिक एजेंडा रहा है, पर अगर वो इन हमलों से ऊपर उठकर कोई बात करते तो निश्चित तौर पर वो इस मंच और मौके का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते थे। कन्हैया ने राष्ट्रद्रोही नारे लगाने वाले उमर खालिद और अनिर्वाण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इनकी रिहाई तक संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि जो कोर्ट ने उनको जमानत देते वक्त शर्तें रखी और जो बात कही है वो बहुत गंभीर बात है कि 6 महीने तक उनको ये देखना होगा कि किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल न हो, उनके प्राध्यापकों को ये ध्यान रखना होगा। और कोर्ट ने तो खास तौर पर राष्ट्रप्रेम को लेकर, राष्ट्रप्रेम के महत्व को लेकर जो बात कही है, रंगहरा हरि सिंह नलवे से लेकर सब कुछ उसमें कोट किया है अपने फैसले में। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है वो सारे बिंदु, और उन बिंदुओं से परे जाकर अगर कन्हैया अपनी बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको कोर्ट से मिली जमानत और उसकी शर्तों का सम्मान करना चाहिए। उमर खालिद और अनिर्बान दोषी हैं कि नहीं, ये तय करने वाले ना हम हैं ना कन्हैया कुमार हैं। मामला कोर्ट में है, वो लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वीडियो फुटेज कोर्ट के सामने जाएंगे, कोर्ट फैसला लेगा कि उन्होंने राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में खुद को शामिल रखा नहीं रखा। कन्हैया कुमार के लिए एक बड़ा दोष और ये भी है कि अगर इस तरह के नारे लगे थे और उनकी अध्यक्षता में, उनकी मौजूदगी में लगे थे, तो सबसे पहले वो ऐसे व्यक्ति होना चाहिए थे जो पुलिस को खबर करते और इस तरह के छात्रों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की बात करते, तब शायद वो ज्यादा बड़े नेता बन पाते। आज वो उन छात्रों को केवल इसलिए कि वो उनके जेएनयू के साथी हैं छुड़ाने की मांग कर रहे हैं, तो ये गलत है। इनसे ज्यादा तो मुझे एबीवीपी के वो नेता ठीक लगे जिन्होंने अपने छात्र संगठन से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया कि वो जेएनयू की साख पर बट्टा नहीं लगने देना चाहते। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि किसी ने नहीं कहा, हम नहीं कहते, कोई और कहता है तो गलत कहता है कि पूरा जेएनयू खराब है, पूरा जेएनयू का माहौल खराब है, जेएनयू के सारे छात्र खराब है। जेएनयू इस देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसकी साख सम्मान मर्यादा बनी रहना चाहिए। लेकिन उसके भीतर कोई ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो अब वो सवाल हमारे सबके दायरे से बाहर निकलकर कानून के दायरे में आ चुके हैं। कानून को अपना काम करने दीजिए। आप अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं तो आप एक मामले पर कहते हैं कि सब जुडिशियस हम कुछ नहीं कहेंगे, दूसरी उसी मामले में आप कहते हैं हमारे साथियों को रिहा कीजिए, यह गलत है, इससे उनको बचना चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे कन्हैया कुमार के भाषण की जो उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद दिया। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।